सुबह ही असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो अरकान कराची की सूरत हाल पर बहुत बरहम थे। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करते हुए सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल वासे ने कहा कि कराची में बोरीबंद लाशों का सिलसिला जारी है और गरीब अवाम मर रहे हैं। अरकान ने अब्दुल वासे ही की सरबराही में खैर सगाली कमेटी तश्कील देने की हिमायत की, जो कराची जाकर सिंध हुकूमत से अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी पर तबादला ख्याल करेगी। अरकान जिस वक्त कराची के हालात पर वावेला मचा रहे थे, उसी वक्त क्वेटा के इलाके दश्त में नेटो के 5 ऑयल टैंकर चल रहे थे। उन्हें आग लगाने वाले दहशतगर्द फायरिंग करते हुए फरार हो गए। कराची के हालात पर अफसोस का इजहार करने वाले अरकान असेंबली में से किसी ने बलूचिस्तान खुसूसन क्वेटा की सूरत हाल पर एक लफ्ज तक नहीं कहा। यही नहीं, इजलास के दौरान सूबाई वजरा ने अपनी नींद भी पूरी की।